लेकिन अचानक रात को 12 बजे से पानी आ गया, सब भींग गया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मौसम बहुत खराब है, देख सकते हैं, और आज बारिश होगी हम लोग की तरफ। और वेदर हम देखे तो 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है। यहाँ पे सीढ़ी है, ये बारिश का पानी नहीं है, कल ही निकला था। कुआं बहुत गहरा नहीं खोदा गया है, लेकिन पानी आ गया है, पानी बहुत जल्दी पहुंच गया पानी। और यहाँ पर धान रखे हुए हैं, रात को आए थे, रात को सबको जो यहाँ पर था उसको फिर से यहाँ कर लिए। और कल का धान यहाँ पर है, प्लास्टिक में रखा हुआ है, इसको भी घर लेना है, सब बर्बाद हो गया। अगर मौसम ठीक रहता तो 2-3 दिन में इसको ख़त्म करते और सबको घर के अंदर ले जाते, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब 2-3 दिन तो पानी ही आएगा, तो यही रहेगा। ज़्यादा पानी आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उधर से पानी बहेगा तो फिर अंदर से घुसने का डर है, तो उधर मिट्टी से बांधना पड़ेगा पानी को, दूसरी तरफ रास्ता बदलना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और सब अस्त व्यस्त है पानी की वजह से। देखते हैं चेकी क्या कर रही है। बादाम बादाम बादाम, मौसम ऐसे बनाया है ना, तो बादाम भूज के ले रहे स्कूल। अंधार में करिया दिख रही है तो पता है। अब चलते हैं नदी की ओर, ब्रश करेंगे, फिर नाश्ता पानी होगा, नहा धोहा के फिर चलना है कहीं डांगर अपना ड्यूटी में काम करेंगे। और आज काफी बारिश की वजह से अस्त व्यस्त लग रहा है, सब गांव के लोग अपने अपने घर में घुसे पड़े हुए हैं, कोई निकल नहीं रहा ठंडा में। छाता पकड़ के इधर मोबाइल में बिजी, कहा जी भिजा दिया इसने, दौरी किया कि क्या किया इसने, दौरी कर ले गड़बड़ है, रात को उठ रहते इनका भींग गया पूरा, गड़बड़ा गया जी। एक सरिया दवा 2 दिन पानी आ गया। और यहाँ भी धान है, उनका भी भींग गया शायद। रात में जब सब सोए हुए थे, शाम को लगा कि पानी नहीं आएगा, शाम को लगा पानी नहीं आएगा, और सब तरफ तरीकान सब निकल गया था, तारा सब निकल गया था। और लोग सुबह को मिसने के लिए यहाँ पर लगाए थे, लेकिन अचानक रात को 12 बजे से पानी आ गया, सब भींग गया। अब इसको अभी धूप भी नहीं करेगा तो सूखेगा भी नहीं, नहीं तो दोबारा उग जाएगा, बहुत दिक्कत है। बहुत हाँ, जो लोग सही समय में अपना धान मिस के खत्म किए हैं उनका तो भाई बल्ले बल्ले है ना, हम लोग परेशानी में पड़ गए, हम लोग का बाकी है ना, हम लोग का खत्म नहीं हुआ, इसलिए भींग रहा है। अभी 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा, खलिहान भींग जाएगा, फिर कैसे करेंगे। मशीन से नहीं कर सकते हैं, मशीन के लिए ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो इसके लिए मशीन नहीं आएगा, बैल से ही धान मिसते हैं। तो फिलहाल नदी पहुंच चुके हैं, ब्रश व्रश करने, दतवन सब करने, और हम लोग को दिखा मछली, तो भाई जाल लेके आया है और अभी फंसाएंगे मछली। और इधर ही लोग मटन बना रहा है, छेदो फैले फैले छेदो, इन्हें ना जी की थी मायर से यार। एक ना खान के ना के का भाई काटी गोमन के ऊपर चढ़वा, फाइसे ये सारा चकना। अरे उछला ऐसे पार निकाल निकाल जल्दी निकाल, कैसा सुबह सुबह आज का चखना भैया, तू ये तो है
कहाँ दूर रही ना देख पहले सरिया तो पहले चल ले मामू कहाँ पे जाके और देखे रात के नहीं फटा लगा खन ले कहाँ है खन बढ़िया वाला आज पूरा दिन भर पानी आया और काम किए पानी पानी में और पब्लिक बहुत काम थी मार्केट पूरा डाउन था और आज शाम में अभी बैठे हैं थोड़ा सा होटल में खा लेते हैं मस्त उसके बाद चलेंगे घर बहुत ठंडा है भाई और इस समय कुछ गरम गरम मिल जाए तो और मजा आ जाए वाओ मिल गया डोसा चटनी खा लेते हैं जल्दी बहुत मजा आया टेस्टी वाओ बता दे एड्रेस बता दे यहाँ पे आए फाइनली खा लिए और मस्त पेट भर गया और काफी बारिश हो रहा है अभी कैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है हेलमेट को भी बंद नहीं कर सकते शीशा उसका ब्लैक है तो ऊपर भी जाना पड़ेगा खेत में तो पानी आएगा ठंडा लगेगा फिर भी चलते हैं यहाँ तो रह नहीं सकते ना घर जा रहे हैं चले चलते हैं भींगा भींगा लग रहा फाइनली भिंगते भिंगते आ गए और बारिश बहुत भयानक हो रहा है और घर पहुंच गए और चरकी इधर कुछ कर रही है तो क्या कर रही है लगता है कुछ बना रही है कढ़ाई से कुछ आवाज आ रहा है देखते हैं क्या है कहा चरकी का खुशी में ये सब ये कुछ नहीं बस ऐसे ही वाह अंडा फराई देखना गोलीबारी होता है तो आज बन रहा है अंडा का सब्जी और हम लोग चरखी जो बना रही है अंडा का सब्जी तो आज अंडा मिलेगा अंडा खाएंगे तो गाइज अंडा खाने से केस पकता है अंडा खाने से केस पकता है बाल तो खत्म हो जा रहा है का बाल पकेगा पाले ही जड़ के खत्म तो फिलहाल अब घर पहुंच गए अब खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे क्या करेंगे बारिश से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है टोपी स्वेटर सब लगाना पड़ रहा है तो ब्लॉग को यहीं हम अंत करते हैं आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कहाँ से आप देख रहे हैं ताकि हम रिप्लाई सबका रिप्लाई करेंगे ना और अच्छा लगता है क्या बोलते हैं शेरकी कमेंट करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब करने से अंडा मिलेगा गोल गोल देखिए देखिए अंडा टेस्टी टेस्टी बना ओह माय गॉड तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय